हेलो एवरीवन वेलकम टू मैग्नेट इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो पहला पेपर है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम तो आइए शुरू करते हैं फाइनेंशियल सिस्टम होता क्या है अगर कोई मुझसे सिर्फ एक लाइन में एक्सप्लेन करने का बोले तो मैं कहूंगा द बैकबोन ऑफ एनी कंट्रीज इकोनोमी इसका काम है एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि इकोनॉमी के पास अवेलेबल हो जहां से जिस भी सेक्टर में सरप्लस फंड है एक्स्ट्रा फंड है उसको उठाना उसको सेफली ऐसे सेक्टर की ओर ट्रांसमिट करना ट्रांसफॉर्म करना उस फंड को सो so दैट जो नीडी सेक्टर है वहां उस फंड हो पाए और उनकी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो पाए इट इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेविंग्स इन इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पन फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है जो सैलरीड बंदा है जिसकी काफी सेविंग्स है वो ये सेविंग्स बैंक में जाके स्टोर करता है अब बैंक क्या करेगा भाई बैंक इस पैसे को लेगा इस पैसे पे ऑब्वियसली जो पहला बंदा है उसको कुछ इंटरेस्ट देगा अब एक सेकंड बंदे की एंट्री होती है जो कि एक है जो एक अपनी कंपनी चालू कर रहा है उसको कुछ पैसा चाहिए सो उसकी कंपनी ग्रो कर सके अगर वो बैंक के पास आएगा तो बैंक कौन सा पैसा इसको लेंड करेगा पहले बंदे का पैसा लेंड करेगा एंड बैंक एक ऐसा मिडिलमैन रहेगा जो ये इंश्योर करेगा कि पहले बंदे को भी रिटर्न मिले और सेकंड बंदे को भी रेगुलर टाइम पे पैसा मिले प्लस उस पैसे की रिकवरी हो पाए सो पाएट पहले बंदे का पैसे क्या कोई लॉस ना हो ये जो पूरा सिस्टम है ये कैसे ऑपरेट करता है इट ऑपरेट टू सम फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज जो मैंने आपको पहला एग्जाम्पल दिया उस केस में जो बैंक हो गया वो एक फाइनेंशियल इंटरमीडियरी का एग्जाम्पल है उसके अलावा अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो एग्जिस्ट करते हैं जो ऐसे इंटरमीडियरी का काम करते हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे अब जो फाइनेंशियल सिस्टम है ये एक सिस्टम है जो इंटरमीडियरीज का प्लस इंस्ट्रूमेंट्स का अब भाई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स तो बन गए हो गए लेकिन ऐसे हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए जो कि हमारे पैसे को ट्रांसमिट करने के लिए रिसीव करने की हेल्प करें जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम्स है उसके तीन वर्टिकल हैं जिस वर्टिकल पहले वर्टिकल को रेगुलेट करता है सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी विच इन इंडिया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेकंड वर्टिकल को रेगुलेट जो है जो कि है कैपिटल मार्केट्स एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी जिसको रेगुलेट करता है सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और जो तीसरा एंड फाइनल वर्टिकल है वो है इंश्योरेंस एंड पेंशन रेगुलेटर जिसको रेगुलेट करता है आईआरडीए इसके दो पर्पज है पहला पर्पस है ऑब्वियसली इंश्योरेंस को रेगुलेट करना और दूसरा एक हिडन पर्पस कह सकते हो आप जो इसके नाम से क्लियर नहीं होता वो है पेंशन फंड्स को रेगुलेट करना जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को या फिर जो जो हमारे प्राइवेट एम्प्लॉय होते हैं वो लोग भी अगर पेंशन फंड में एनरोल होते हैं तो उनका पैसा कहां इन्वेस्ट होगा उसको क्या लॉस गवर्न करेंगे उनको भी आईआरडीए देखता है तो आइए चालू करते हैं सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी जिन चीजों को गवर्न करता है रेगुलेट करता है उनके बारे में पढ़ने से जो सबसे पहला और सबसे विजिबल एस्पेक्ट ऑफ ऑफर रेगुलेटर रेगुलेटर जिसको सेंट्रल बैंक अथॉरिटी तो रेगुलेट करता है उसका सबसे पहला सबसे सिंपल एग्जाम्पल है बैंक अब बैंक कमर्शियल बैंक उसमें पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर और फॉरेन बैंक्स सारे तरीके के बैंक्स आते हैं इनको कौन ओवरसी करता है आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंक का एक बेसिक पर्पस क्या है बताइए बैंक क्या करता है

इसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा फंक्शंस होते हैं बैंक के जैसे कि फंड को ट्रांसफर करना फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड सर्विसेज ट्रेड में जो लोग दो लोग ट्रेड कर रहे हैं तो उनसे रिलेटेड बहुत सारे फंक्शंस जैसे कि लेटर ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करना बैंक गारंटीज प्रोवाइड करना ये सब भी बैंक करता है इसके डिफरेंट सब टाइप्स होते हैं एक सिंपल सा सब टाइप है स्मॉल फाइनेंस बैंक आपने नाम सुना होगा कुछ ऐसे छोटे बैंक्स जो कि सिर्फ ऑनलाइन जैसे मान लीजिए ऑपरेट करते हैं जहां पर आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं लेकिन मेबी एक लाख रुपए से ज्यादा नहीं रख सकते ये स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं उसके तरीके दूसरे होते हैं पेमेंट बैंक पेटीएम पेमेंट बैंक एयरटेल पेमेंट बैंक इन सबके आपने नाम सुने होंगे ये कंप्लीटली डिजिटल फॉर्मेट में एग्जिस्ट करते हैं एंड इनका पर्पस होता है कि जो नई न्यू जनरेशन है उसको ऑनबोर्ड करना जिनको इजी बैंकिंग चाहिए जिनको रेगुलर डे टू डे जो हमारी कन्वेंशनल बैंकिंग होती है उसका एक ऑल्टरनेट प्रोवाइड करना तीसरा होता है लोकल एरिया बैंक भाई ये कोई पर्टिकुलर एरिया है मान लीजिए कोई ऐसा शहर है या कोई ऐसा गांव है जहां पर बहुत ज्यादा एमएसएमई ऐसी इंडस्ट्रीज एग्जिस्ट करती है कोई गांव है जहां पर बहुत सारे फार्मर्स हैं और उन लोगों को एग्रीकल्चर क्रेडिट चाहिए तो ये जो लोकल एरिया बैंक्स होते हैं इन लोकल नीड्स को एड्रेस करने के लिए होते हैं। ये थे हमारे कमर्शियल बैंक्स। अब दूसरा होता है हमारा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। इनका नाम ही सिंपल इनके फंक्शन के बारे में हमें डिफाइन करता है नॉन बैंकिंग बैंकिंग के बारे में मैंने आपको क्या बताया था एक कस्टमर का पैसा लेना उसको अपने पास रखना और उसको लोन्स में रोटेट करना अब एक कस्टमर का पैसा ले तो लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ वॉट इन द फॉर्म ऑफ टाइम डिपॉजिट्स आप एफडी कर सकते हैं यहां पर जाके लेकिन जो आपकी रेगुलर डे टू डे लेन लेन होता है वो शायद आप यहां नहीं कर पाएंगे इसीलिए इनका नाम होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज मोटूट फाइनेंस हो गया आपका आपका बजाज फिंसर्व हो गया बजाज फाइनेंस हो गया इस तरह की कंपनीज यहां पर एग्जिस्ट करती है दे आर अलाउड टू रेज डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक एंड लीड थ्रू वेरियस इंस्ट्रूमेंट इंक्लूडिंग लीजिंग हायर परचेज एंड बिल डिस्काउंटिंग ये टर्म्स क्या होते हैं हम सबसिक्वेंट लेक्चर्स में सब पढ़ेंगे आर लाइसेंस एंड सुपरवाइज बाई देंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी विच इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्राइमरी डीलर्स प्राइमरी डीलर्स को पीडीस के नाम से भी जानते हैं इनका मेन काम होता है जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है भाई जिन बॉन्ड से जिन सिक्योरिटीज से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है यह पैसा रेस करता है उनमें डील करना ये सिक्योरिटीज दो मार्केट में आती हैं एक होता है प्राइमरी मार्केट जहां पहली बार इन सिक्योरिटीज को खरीदते हो खरीदोगे भाई आरबीआई आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट एंड सेल्स सिक्योरिटीज तो आप RBI से खरीदते हो अब एक कॉमन मैन आपके और मेरे जैसा कुछ समय पहले तक इन प्राइमरी मार्केट में कंपीट नहीं कर सकता था इस मार्केट से खरीद नहीं सकता था अब आरबीआई ने रिसेंटली अलाउ कर दिया है लेकिन अभी भी हम लोग बहुत स्मॉल वी कैन ओनली गेट अ वेरी स्मॉल शेयर ऑफ द पाई तो प्राइमरी डीलर्स वो होते हैं जो उस पर्टिकुलर मार्केट में डील करते हैं एंड उस मार्केट से चीजें खरीद के मे बी प्राइमरी मार्केट के बाद जो सेकेंडरी मार्केट होता है, जहां आप और मैं, मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स भी जा सकते हैं वहां पर ये चीजें बेचते हैं तो ये प्राइमरी डीलर्स कहलाते हैं इनका बेसिक रिस्पांसिबिलिटी होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट को खरीदना भाई गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होगा आप कौन खरीदेगा आप और मैं डायरेक्टली नहीं खरीद सकते तो यही लोग खरीदेंगे इन लोगों की ये इनका काम रहता है दूसरा रहता है कि स्ट्रेंदनिंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट भाई गवर्नमेंट सिक्योरिटी में जितने प्राइमरी डीलर्स होंगे जितना अच्छा कॉम्पिटिशन होगा उतना गवर्नमेंट को ज्यादा पैसा मिलेगा उतना कॉम्पिटिशन होगा उस ऑप्शन प्रोसेस में तो उस पूरे मार्केट को स्ट्रेंदन करना यह भी इनका एक दूसरा पर्पज होता है ये किसके अंडर आते हैं आरबीआई के अंडर अब हो गए हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से डील करते हैं इन्वेस्टमेंट लोन्स एंड डिपॉजिट इन सब चीजों से डील करते हैं जो कि डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए इनका एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है वो है हमारे देश का डेवलपमेंट अब देश का डेवलपमेंट हमारा दो तरीके से हो सकता है बैंक्स के अगर हम पर्सपेक्टिव से देखें तो एक होता है जो कि हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है भाई उसको प्रमोट करना कि जो भी सर्विसेज हो गई या जो भी मैन्युफैक्चरिंग वाला पार्ट हो गया वहां पर पैसा डालना वहां पर सब्सिडीज प्रोवाइड करना बैंक को रीफाइनेंस करना वापस बैंक को पैसा देना सो डैट बैंक कैन रोटेट दैट मनी ये काम हो गया दूसरा एस्पेक्ट हो गया हमारा एग्रीकल्चर का आप जानते हैं इंडिया का दिल जो है वो गांव में बसता है एंड गांव का जो सबसे सबसे क्रिटिकल और सबसे बड़ा जो सेक्टर है जहां पर गांव वाले या जितने भी हमारे फार्मर्स वो काम करते हैं वो है एग्रीकल्चर सेक्टर एंड अलाइट सेक्टर उस सेक्टर की फाइनेंसिंग करना तो ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जैसे कि सिडबी हो गया नाबार्ड हो गया ये सब भी इन ये खुद में भी रेगुलेटरी बॉडीज है इनके पास भी कुछ कुछ रेगुलेटरी अवेलेबल है बट इनका अगर हम कॉलिकुअल टर्म्स या बेसिक टर्म्स में बोले तो इनका माई बाप है वो आरबीआई है इनको ऑफ साइड एंड ऑन साइड जो सर्वेलेंस होता है दे हैव टू रिपोर्ट टू द सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये ये है ये अपने आप रिसोर्सेज कैसे रेस करते हैं भाई डेवलपमेंट में इतना ज्यादा पैसा लगता है आप जानते हैं हमारे देश का डेवलपिंग कंट्री है इतना ज्यादा पैसा हमको इन्वेस्ट करना पड़ता है डेवलपमेंट में अब ये पैसा आएगा कहां से नॉर्मल पब्लिक से तो ये लोग डिपॉजिट लेते नहीं है तो ये पैसा कहां से आएगा दो जगहों से मेन आता है एक होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया न्यू डेवलपमेंट बैंक हो गया ये कुछ पैसा इन को देते हैं जैसे इनके उन्होंने करोड़ का लोन दे दिया और और बोला कि यू कैन पे बैक इन साल में पैसा दे देना परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर हम आपको ये पैसा दे रहे हैं इतना कम रेट ऑफ इंटरेस्ट क्यों क्योंकि इस लोन का जो पर्पज है वो पर्पज है देश का डेवलपमेंट करना वो कर, वो लोग भी चाहते हैं कि हमारे देश का डेवलपमेंट हो इसीलिए वो पैसा देते हैं एक तरीका ये हो गया दूसरा तरीका है खरीद लो पंद्रह आपने सौ रुपए का खरीदा था तो हम आपको इसके एक सौ दस रुपए या एक सौ बीस रुपए तो ये इस तरीके से पैसा रेस करते हैं अब हो गए हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स जिनको हम हिंदी में सहकारी बैंक्स के नाम से भी जानते हैं Initially, जो इनका सेटअप हुआ था वो सेटअप इसलिए हुआ था क्योंकि जो गांव में मनी लेंडर्स होते थे जो कि जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते थे दैट वाज एक्सट्रीमली हाई और उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को पे करने में फार्मर्स कभी वो पे कर ही नहीं पाते थे आप खुद इमेजिन करिए आप और मैं अगर आज कभी पैसा लेने के लिए जाएं अगर हम कोई कार खरीदने के लिए बैंक के पास जाएं और हम बैंक से बोले कि यार आप हमें लोन दे दीजिए हमारे पास सारे पेपर्स अवेलेबल हैं ठीक है तो बैंक आपको लोन देगा सिक्स पॉइंट फाइव सेवन परसेंट सेवन पॉइंट नहीं है तो दे इंसान हो जिसके पास कोई पेपर ही अवेलेबल नहीं हो तो नॉर्मल हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक तो उसको लोन देंगे ही नहीं जब वो प्राइवेट सेक्टर में जाएगा तो मे बी कुछ उसको लोन देने के लिए रेडी हो जाए बट मे बी फिर भी कुछ नहीं हिस्ट्री नहीं है उसके पास कोई पेपर अवेलेबल नहीं है तो अगर वो अपने गांव में लोकल साहूकार के पास मनी लेंडर के पास जाएगा वो उसको खुशी खुशी पैसा दे देगा उसे एक सिंपल स्टैंप पेपर पे साइन करवा लेगा जिसकी शायद कुछ लीगली बाइंडिंग भी नहीं हो वो चीज बट उसको किस रेट पे पैसा देगा थ्री परसेंट पे अब थ्री परसेंट तो आपको सुनकर बहुत अच्छा लग रहा होगा बट इट इज नॉट थ्री पर एनम इट इज थ्री पर मंथ थर्टी सिक्स परसेंट पर एनम एक लाख रुपए लोगे तो एक लाख छत्तीस हजार रुपए को कभी नहीं चुका पाएगा तो इसको इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए कोऑपरेटिव बैंक सेटअप हुए थे अब ये और बहुत सारे डिफरेंट करते हैं डिपेंडिंग ऑन ये सेटअप है जैसे कि अगर ये किसी ऐसे एरिया में सेटअप है जहां पर एग्रीकल्चर की बहुत रिक्वायरमेंट हो तो ये एग्रीकल्चर का पर्पस सॉल्व करते हैं अगर ये किसी ऐसे एरिया में सेटअप हो जहां पर इंडस्ट्रियल फाइनेंसिंग की बहुत रिक्वायरमेंट हो तो उस तरीके का पर्पस सॉल्व करते हैं आर ऑल्सो अलाउड टू रेस डिपोजिट एंड गिव एडवांसिसनता से पैसा ले भी लेते हैं और जनता को पैसा ऑब्वियसली देने के लिए उसको वो लोन के में पैसा वो रोटेट भी कर सकते हैं घुमा भी सकते हैं में. रहता है। अब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक अब देखिए नॉर्मली हम क्या देख रहे थे जितने भी जो जगह थी उनके मेन रेगुलेटरी बॉडी एक सिंगल रेगुलेटरी बॉडी थी विच वॉज आरबीआई जो भी हमने इस वर्टिकल में इसके अंदर जो भी हमने प्लेयर्स को देखा उनको बट कोऑपरेटिव बैंक आर डिफरेंट क्यों क्योंकि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो स्टेट गवर्नमेंट और आरबीआई दोनों के थ्रू रेगुलेट होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट होते हैं उनके कोई सिविल सर्वेंट कोई स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर या फिर कोई इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर दे हेड दीज बैंक इस बैंक के हेड वो रहेंगे और उसके बाद इन पे रेगुलेशन आरबीआई के भी लागू होंगे और स्टेट के भी लागू होंगे एंड जो दूसरे कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो नाबार्ड के थ्रू रेगुलेट होते हैं जो कि हमारा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है नाबार्ड उनको ओवरसी करता है जो हाईएस्ट लेवल पे अगर हम कहेंगे सुपरविजन होता है वो तो आरबीआई के ही रहेगा क्योंकि वो नाबार्ड को रिपोर्ट कर रहे हैं नाबार्ड आरबीआई को रिपोर्ट कर रहा है बट फॉर नॉर्मल पर्पसेस हम ये कह सकते हैं कि जो कोऑपरेटिव बैंक रहेंगे अगर कोई आपसे पूछता है कि इसको कौन रेगुलेट करता है तो अगर वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है तो उनको स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट करेगा अगर वो कोऑपरेटिव बैंक उसके अलावा कोई कोऑपरेटिव बैंक है तो उनको नाबार्ड रेगुलेट करेगा अब जो फाइनल हमारा इसमें एक जो सिस्टम के बारे में हम बात करें वो है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम अब भाई बैंक तो बैंक हो गए ठीक है लेकिन अगर आपको एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रा, ट्रांसफर करता है जैसे कि मान लीजिए आपके पास एसबीआई में अकाउंट है आप चाहते हैं कि आप पंजाब नेशनल बैंक आपको ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है फिक्स डिपॉजिट पे तो आपने पंजाब नेशनल बैंक में पैसा ट्रांसफर करना चाहिए अब आप, आप इसको कैसे ट्रांसफर करोगे अगर आपको बैंक वाले बोलेंगे कि भैया कैश निकालो उस वाली ब्रांच में जाना वहां लाइन में लगना और वहां पैसा जमा कर देना तो आपका भी दिमाग खराब हो जाएगा आप बोलेंगे कि क्या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल नहीं है जिसके थ्रू मेरे को जाना ही नहीं पड़े या मैं घर बैठे ही उसको ट्रांसफर कर पाऊं तो उसको ओवरसी करने का, का काम भी आरबीआई का है एन एफिशियट एंड इफेक्टिव पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम अगर ये सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करे अब आप ये कह सकते हैं कि भाई इंडियन जो इकोनमी था उसका बैकबोन कौन था हमारा जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है उसकी बैकबोन वो इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन कौन था इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम अब इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम्स की बैकबोन कौन है बैकबोन की बैकबोन इंसेप्शन कौन है वो है हमारा पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम अगर ये एग्जिस्ट नहीं करे तो बाकी सारे इंस्टीट्यूशन का प्रेजेंट होने का कोई पॉइंट नहीं है क्योंकि वो एक दूसरे से इंटरेक्ट ही नहीं कर पाएंगे इफेक्टिवली फंक्शन ही नहीं कर पाएंगे एंड कोलैप्स कर जाएंगे जो आरबीआई का, का काम है इसमें मल्टीपल चीजें आती हैं सिर्फ नॉर्मली पैसा ट्रांसफर करना नहीं मेंटेनेंस ऑफ क्लियरिंग हाउसेज एट सेंटर अब भाई क्लियरिंग हाउसेस क्या होते हैं होता है ना, आप अपना एक चेक देते हैं किसी बैंक को वो दूसरे बैंक को भेजता थोड़ा चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम से उसको करके है. इस बैंक का और दूसरे इंटरेक्ट करते हैं एंड दे मेक श्योर कि हा भाई जो भी आपका रेमिटेंस है, है वो बाय डे और टू डे जो भी आपके बैंक का टर्न अराउंड टाइम है उसमें वो हो जाए. तो उन को भी करता है क्रिएशन ऑफ करेंसी होल्डिंग चेस्ट अब भाई आप बैंक में आपने देखा ही होगा हमारे एक जो भी ब्रांच में आप ऑफिसर्स या जो भी हमारे का स्टाफ काम कर रहा होगा वो ये बात जानता होगा कि हर बैंक की कुछ एक लिमिट होती है कुछ बैंक में डिपेंडिंग ऑन वो बैंक की लोकेशन क्या है उसकी ब्रांच कहां पर है कितना पैसा वो अपने पास रिटेन कर सकते हैं फॉर ओवरनाइट उसकी एक लिमिट होती है इट कैन बी एज लो एज से फोर फाइव लैक्स चार पांच लाख रुपए भी हो सकती है और अगर कोई बहुत बिजी ब्रांच है तो मे बी पचास लाख भी हो सकती है उनकी लिमिट अब जब हमारा लिमिट से पैसा ज्यादा हो जाता है या हमारा पूरा पैसा खत्म हो जाता है और बहुत

अब देखिए हमने हमारा जो सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी है उसके बारे में तो पढ़ लिया अब हम आते हैं हमारे दूसरे पिलर की ओर कैपिटल मार्केट रेगुलेटरी अथॉरिटी इसका सिर्फ एक ही पर्पस है वो है वो कैपिटलिटी ऑफ कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज बॉन्ड डिबेंचर्स डिबेंचर्स एंड एंड इनेबल्स कॉर्पोरेट्स टू रेज डेट भाई अगर मान लीजिए गवर्नमेंट को पैसा रेज करना था उसने क्या किया सिंपली आरबीआई को बोला कि एक लाख करोड़ के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आप रिलीज कर दीजिए जो भी आपका पैसा है जितने पे भी उसके ऑप्शन हो अगर मान लीजिए ली, एक लाख दस आ, हजार करोड़ में ऑप्शन हो वो पैसा आप मुझे दे दीजिए अब यही सेम बात अगर रिलायंस बोले कि भाई मुझे भी पैसा रेस करना है आई ऑल्सो वॉन्ट टू एक्सपैंड मैं भी ग्रो करना चाहता हूं मैं भी फोर्च्यून फाइव कंपनी में अपनी पोजिशन को और स्टेंडन करना चाहता हूं तो वो क्या करेगा किसके पास जाएगा एक ऑप्शन है कि भाई आरबीआई के पास चले जाए लेकिन आरबीआई कितना काम करेगा तो देर इज दिस अनादर रेगुलेटरी बॉडी नोन एज सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो कि इन सब चीजों को ओवरलुक करेगा कि जी रिलायंस को पैसा रेस करना है तो आप हमारे पास आइए इन इन रूल्स से आप कंप्लाई करिए तो वील मेक श्योर कि जो भी आप मार्केट में अपना इंस्ट्रूमेंट निकालना चाहते हैं आप निकाल सकते हैं एंड सेफली आप पैसा रेस कर सकते हैं जिससे आपके इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट हो और जो आपके इन्वेस्टर्स हैं उनके इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट हों रेगुलेटर हमने देख लिया सेबी ऑल द फ्रीली ट्रेडेड सिक्योरिटीज इन द मार्केट रिक्वायर द अप्रूवल ऑफ सेबी आपको अगर मार्केट से पैसा उठाना है अब भाई एक तरीका होता है कि आप जाके अपने दोस्तों से बोले कि मुझे पैसा दे दो अब सेबी उसमें आपसे आके क्वेश्चन नहीं करेगा कि क्यों आप पैसा ले रहे हो कि आपने ये पैसा क्यों लिया अनियसली ज्यादा उसकी लिमिट हो जाती है तो अलग बात होती है बट अगर आप बोले कि मैं रैंडम लोगों से मैं क्राउड फंडिंग करना चाहता हूं क्राउड फंडिंग का भी खैर रेगुलेटरी अभी इतना क्लियर नहीं है बट मैं मार्केट से पैसा उठाना चाहता हूं मैं जाके एक एक अपना शेयर मार्केट पर अपने कंपनी को लिस्ट करना चाहता हूं आई थिंक मेरी कंपनी बहुत अच्छा करेगी तो कहां जाएंगे आप, आप सेबी के पास जाएंगे उनके रूल से आप कंप्लाई करेंगे इसका सबसे विजिबल जैसे हमारे जो सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी का सबसे विजिबल प्लेयर्स कौन थे बैंक्स थे तो वैसे ही सेबी का सबसे विजिबल प्लेयर जिसको आपने सबने कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे में सुनाई होगा देखा ही होगा उस पर ट्रेड किया होगा वो होते हैं हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस इंडिया में हमारे दो मेन स्टॉक एक्सचेंजेस हैं तो हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है एनएससी एंड बी इनका ये एक ये प्लेटफॉर्म है टू प्रोवाइड ना कॉल करते हैं कि अरे भाई, दस शेयर खरीदने दो हजार का एक शेयर है बीस का चेक काट के दे दू क्या? तो वो आपको करें कि, अरे अरे ठीक है ठीक है नीता मैडम से कलेक्ट कर लेना शेयर घर छोड़ के जा रहा हूं ऐसा नहीं होता सिंपली ये होता है कि आप जाते हैं कि किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पे आप वहां उसका प्राइस चेक करते हैं कि भाई आज कितने रुपए पे शेयर ट्रेड कर रहा होता है एंड वहां पर आप उसको खरीद सकते हैं जाके

अब शेयर आपने तो क्लिक कर दिया लेकिन उसके बैकग्राउंड में बहुत सारी डिफरेंट प्रोसेस वर्क करती है बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर वर्क करते हैं आपका पेमेंट उनके पास जाएगा उस पेमेंट का कंफर्मेशन वो आपके बैंक को देंगे सो दैट दे कैन टेल यू कि हाँ भाई आपका पेमेंट हो चुका है देन वो इन्वेस्टर के पास उस पेमेंट को भेजेंगे अब वो डिपेंडिंग ऑन कैसे वो सेटलमेंट हो रहा है जैसे कई बार क्या होता है हम कोई शेयर खरीदते हैं तो टी प्लस वन टी प्लस टू डेज जो सेटलमेंट होता है वो सेटलमेंट होगा तो ये जो पीछे की बहुत सारी प्रोसेस हो रही है वो भी स्टॉक एक्सचेंज फैसिलिटेट करता है सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर आप जाके स्टॉक देखो और खरीद लो उसके पीछे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है ट्रेडिंग करता हूं क्या मतलब होता है सिंपली जिसकी कहीं से वैल्यू डिराइव हो भाई अगर आप सोने से वैल्यू डिराइव कर रहे हो तो वो गोल्ड डेरिवेटिव हो जाएगा आप सिल्वर से डिराइव कर रहे हो तो सिल्वर डेरिवेटिव हो जाएगा ये होता है ब्रोकर्स अब देखिए अगर आपको कोई शेयर खरीदना हो या आपको वो करना हो तो आप स्टॉक एक्सचेंज पे सीधे जाके तो खरीदने के लिए आप क्लिक करेंगे वो नहीं कर सकते आप उस पर शेयर की प्राइजेस देख सकते हैं बट उसको खरीदने के लिए आपको एक मिडिलमैन की जरूरत पड़ती है वो मिडिलमैन होते हैं हमारे स्टॉक ब्रोकर बहुत सारे लोग बहुत सारी डिफरेंट एप्स के थ्रू ये करते हैं जैसे अगर आप मानीजिए शेयर में इन्वेस्ट करते हैं या मैं शेयर में इन्वेस्ट करता हूं हो सकता है मैं अपने बैंक के खुद के जो शेयर जिनके साथ उनका टाइप है उसके थ्रू करता हूं या फिर जो मॉडर्न एप्स हैं जैसे कि जीरो दा हो गया ग्रो हो गया मैं इनके थ्रू करता हूं इनका काम होता है जो ब्रोकर्स होते हैं इनका काम होता है इंटरमीडिएटिंग बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स ऑफ सिक्योरिटीज जो खरीद रहा है और जो बेच रहा है उनके बीच में ऐसे का काम करना और ये ये लोग क्या क्या काम करते हैं हैं एक ऑर्डर बुक बनाते पूरी जो हम लेजर बोलेंगे जिसको कि पूरा मेंटेन करते हैं कि अगर आपने मान लीजिए एक दिन में इंट्रा ट्रेडिंग की एक ही दिन में खरीदा एक ही दिन में बेचा आपने दस स्टॉक खरीदे और दस स्टॉक बेच रही तो उसकी पूरी ऑर्डर बुक की भाई ये सेटलमेंट क्या हुआ कितने पे खरीदा था कितने पे बेचा था वो बनाते हैं कैरी आउट द प्राइस डिस्कवरी एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रोकर कॉन्ट्रैक्ट बीन ऑनर्ड भाई कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आप कोई भी शेयर खरीद रहे हैं तो एक कॉन्ट्रैक्ट है ना कंपनी का कि भाई कंपनी को आप बोल रहे हो कि मैं आपको इतने पैसे दूंगा इतने में आपको शेयर हम दे देंगे कल को कंपनी ये नहीं कह सकती कि नहीं यार पैसा तो दे दिए सब सही था प्राइस भी सही थी 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 लेकिन नहीं शेयर दे रहा क्या कर लोगे तो देन दिस पीपल कम इन प्ले कि दे इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट ये सभी के पास जाएंगे दे विल मेक श्योर कि आपको आपका जो राइटफुल आपका जो वो हक है वो ये आपको दिलवाए अब आपको ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो ऑब्वियसली एक सर्विस चार्ज लेते हैं जिसको हम ब्रोकरेज ब्रोकरेज बोलते हैं द द सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू अब आप और मैं ऑब्वियसली उस प्लेटफॉर्म की ओर जाएंगे जो आपको एक तो बहुत अच्छी सर्विस देता है दूसरा आपसे पैसे ज्यादा नहीं लेता है तो वो वो ब्रोकरेज होता है इक्विटी एंड डेट रेजर्स बहुत सिंपल है ये वो कंपनीज हैं जिनको पैसा रेज करना होता है अब इनको भी सेबी का अप्रूवल लगता है अगर कोई कंपनी पहली बार मार्केट में एंटर कर रही है जिसको हम आईपीओ बोलते हैं आजकल बहुत चल रहा है ये कि ये कंपनी का आईपीओ आया वो कंपनी का आईपीओ आया आईपीओ खरीद लो दस हजार लगाओगे हो सकता है बीस हजार रुपए हो जाए पंद्रह हजार लगाओगे तीस हजार हो जाए आजकल आप ये बहुत टर्म सुन रहे होंगे तो जब कंपनी पहली बार जब से आ, मार्केट में लिस्ट होती है सेबी के पास जाती है जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग अपना देती है उसके लिए उसको सेबी से अप्रूवल लेना पड़ता है बहुत बड़ी चेकलिस्ट होती है सेबी की जिसको उनको क्लियर करना होता है इनको एक अपना पूरा डॉक्यूमेंट जिसको रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस बोलते हैं वो सेबी को सबमिट करना होता है सारे नॉर्म्स को कंप्लाई करना होता है देन एंड ओनली देन दे आर अलाउड टू रेस मनी इनफैक्ट जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं जो लिस्टेड हैं ऐसा नहीं है कि एक बार लिस्ट हो गए तो बस भैया लिस्टेड है अब तो हम कैसे भी अपनी कंपनी चलाएं कुछ भी करें वी विल रिमेन लिस्टेड नहीं अगर वो कंपनीज सर्टेन नॉर्म्स को कंप्लाई नहीं करती हैं तो सेबी हैज द पावर टू डीलिस्ट देम कंपनीज हैं अब देखिए कोई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड भी हो सकती है जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है लेकिन जैसे ही वो पब्लिक लिमिटेड हो गई दैट पब्लिक है एनी वन कैन इन्वेस्ट एंड द कंपल्सरी थिंग इज दैट दे आर लिस्टेड ऑन एनी ऑफ द स्टॉक एक्सचेंजेस या तो एक में हो सकती है दोनों में हो सकती है दोनों स्टॉक एक्सचेंज में

अब ये पैकेज कहां लगता है वहां आप ये टर्म सुनते हो इन्वेस्टमेंट बैंक में पैकेज लगा उनका वो जाएंगे वहां कुछ ऐसा कुछ मैजिकल काम करेंगे कि दे दे गेट पेड मेक सो मच मनी और वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट करके लियोनार्डो की कैप्रियो की मूवी आई थी जिससे ये टर्म बहुत फेमस हो गया एवरी वन वॉन्टे टू वर्क देयर तो क्या होते हैं इन्वेस्टमेंट बैंक इनका जो नॉर्मल टर्म है जो हम इकोनॉमी और हमारे बेसिक बैंकिंग के टर्म से बोलते हैं तो उनको इन्वेस्टमेंट की जगह हम इनको मर्चेंट बैंक्स बुलाते हैं ये बहुत सारे डिफरेंट काम करते हैं पहला अगर कोई कंपनी को आईपीओ निकालना है अपना, कंपनी को क्योंकि अब ये, ये काम कर रहे हैं तो दे स्टॉक लार्ज चंक ऑफ द शेयर जो भी शेयर रहेंगे इनके पास रहेंगे तो लॉट ऑफ प्रॉफिट वहां पर यह रहता है इनका काम फंड रेजिंग होता है मैनेजमेंट होता है अगर आपके पास दो करोड़ रुपए हैं पांच करोड़ रुपए हैं दस करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने के लिए तो ये बैंक्स आपको एंटरटेन करेंगे ये आपको बहुत सारे डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स बताएंगे बहुत सारे तरीके बताएंगे कि हाँ भाई आप यहां पैसा इस तरीके से रेस कर सकते हो यहां करोगे तो आपका इतना टैक्स लगेगा तो आप यहां क्यों कर रहे हो आई डोंट यू गो एन इन्वेस्ट इन सम समॉरिन सिक्योरिटी जहां पर आपका टैक्स इतना नहीं लगेगा इस तरीके की सर्विसेज ऑफर करते हैं उसके अलावा वन ऑफ देयर अदर रोल वरी मेजर रोल इज एडवाइजरी सर्विसेज एंड काउंसिल ऑन मर्जर एंड एक्विजिशन अब भाई एक कोई प्राइवेट बैंक बोले एच डी एफ सी बोले कि दूसरे प्राइवेट बैंक आईसीआईसीआई को खरीदने का सोच रहा हूं तो अब एच डी एफ सी ऐसा बैंक बहुत बड़ा बैंक है आईसीआईसी बैंक वो भी बहुत बड़ा बैंक है दोनों बहुत अच्छे बैंक है मे भी उनकी इस एरिया में इतनी एक्सपर्टीज नहीं हो वो ये नहीं जानते हो कि यार एक बैंक अगर दूसरे बैंक खरीदेगा तो क्या क्या रूल्स से कंप्लाई करना पड़ेगा क्या क्या चीजें को वी हैव टू मेक श्योर की हाँ भाई हम सारे रूल्स को फॉलो कर रहे हैं एंड वेदर इट इज ए गुड डिसीजन और नॉट ऑन पेपर तो बहुत अच्छा लगेगा कि दो बहुत बड़े बैंक मिलके एक बैंक बन जाएंगे बट कैन द बैंक हैंडल इट तो इस तरीके की जो एडवाइजरी होती है वो किसके पास जाएंगे एडवाइस मांगने के लिए वो जाते हैं इन्वेस्टमेंट बैंक के पास इसका एक बेसिक एग्जाम्पल है काफी फेमस बैंक है गोल्डमेंट शैक्स अगर आपने नाम नहीं सुना हो तो इसको गूगल जरूर करिएगा अब आते हैं हमारे फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स कई बार आप पेपर में इकोनॉमी की न्यूज़ में पढ़ते होंगे जहां आप देखते होंगे कि भाई फॉरेन कंपनीज़ या फॉरेन जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने वो पैसा इंडिया से निकाल लिया या इंडिया में बहुत पैसा डाल दिया तो हमारा शेयर मार्केट बहुत ग्रो कर गया पिछले दो तीन सालों में इन लोगों ने बहुत कई बार पैसा बहुत डाला कई बार बहुत निकाला तो कौन होते हैं ये लोग ये लोग वो होते हैं जो लोग बाहर के रेसिडेंट होते हैं इंडिविजुअल भी या कॉर्पोरेट्स भी जो इंडियन सिक्योरिटी इंडियन उसमें वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं अब देखिए जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं वहां पर जो रेट ऑफ रिटर्न है वो बहुत लिमिटेड होता है क्योंकि अब उनका डेवलपमेंट हो गया है अब वहां अगर आपको रेट ऑफ अगर आप वहां पैसा इन्वेस्ट करने जाए तो आपको दो परसेंट तीन परसेंट चार परसेंट का रिटर्न मिल जाए तो इट इज कंसिड एन एक्सेप्शनली गुड रिटर्न बट इंडिया में अगर आपको चार परसेंट का रिटर्न मिलेगा तो आप हंसोगे बोलोगे यार कि मेरे बैंक में एफ कर लो आके ठीक है तो ये लोग यहां पर आके इन्वेस्ट करते हैं बिकॉज दे गेट गुड रिटर्न इन डेवलपिंग कंट्री और ये लोग यहां से पैसा तब निकालते हैं जब ये करते हैं कि यार इंडिया में हो सकता है कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाला है हमारा पैसा सेफ नहीं है शेयर मार्केट डूबने वाला है तो बिफोर द तो मार्केट टैंक्स ये वहां से पैसा निकाल भी लेते हैं ये इन्वेस्टमेंट फॉर रजिस्टर्ड इन ए कंट्री आउटसाइड ऑफ द वन विच इज इट इज करेंटली इन्वेस्टिंग अगर कोई इंडियन बंदा भी यूएस में जाके इन्वेस्ट कर रहा है वहां के शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहा है और एक सिग्निफिकेंट चंक खरीदता है तो हम वहां के लिए फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स कहलाएंगे ये इंडियन कंपनीज में इक्विटी मार्केट जो शेयर मार्केट होता है इसके थ्रू इन्वेस्ट करते हैं इसमें कुछ सर्टेन लिमिट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पर इन्फोर्स करता है कि हां भाई आप इतना ही कर सकते हो मान लो डिफेंस के सेक्टर में कोई कंपनी खरीद रहे हो तो उसमें आप इतना ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते इंश्योरेंस में आप हंड्रेड परसेंट कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन वॉट द लिमिट इज एंड वॉट द गवर्नमेंट पॉलिसीज आर अब आता है हमारा डिपोजिट्रीज ये वो हिडन प्लेयर्स हैं विच मेक श्योर की शेयर खरीदना और बेचना आज बहुत आसान हो गया है अगर आपके मदर फादर या आपके कोई ऐसे रिलेटिव जो आज से बीस साल पहले शेयर खरीदते थे तो उनसे पूछेगा कि शेयर खरीदना और उसको रिडीम करना कितना डिफिकल्ट टास्क था उनको ऑन पेपर शेयर खरीद के रखने पड़ते थे वो शेयर्स को बहुत सेफली अपने पास रखना पड़ता था और अगर वो शेयर गायब हो गए जल गए कोई गुम गए तो शेयर खत्म हो गए आज ये काम कितना सिंपल है सिंपली अपना फोन खोलिए ऐप खोलिए शेयर पसंद आ रहा है उसको खरीदिए और उसको रख लीजिए अब बैकग्राउंड में उसमें क्या होता है वो भी भी एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जितने भी आप उसको इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर करने का डी मटेरियलाइज डीमैट फॉर्मेट में स्टोर करने का, का काम करती है सीडीएसएल और एनडीएसएल दो डिपोजिट्री नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिट्री लिमिटेड एंड सेंट्रल डिपॉजिटरी ये है डिपोजिट्री जो ये सारे जो भी हमारे शेयर के पेपर्स हो गए उनको डीमटेरियलाइज फॉर्मेट में स्टोर करते हैं कल को अगर आपका शेयर मान लीजिए आपकी आप अनस्टॉल हो गई आप उसको रिकवर नहीं कर पा रहे स्टिल यू हैव हैवे रिकॉर्ड की हाँ भाई कहीं मेरे शेयर स्टोर है ये जो अकाउंट्स हैं ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स जैसे कि जीरो द हो गया आपका ग्रो हो गया इनके अकाउंट्स अपने पास रखते हैं एंड वो आपका सब अकाउंट रखते हैं और ये पूरे टाइम इनसे इंटरेक्ट करते हैं आपने कोई शेयर एक साल के लिए खरीदा तो इन डिपॉजिटरीज में आपके अकाउंट में जाकर स्टोर हो जाता है जिसको आप इनकी वेबसाइट के थ्रू या अपनी ऐप के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं अब आते हैं हमारे म्यूचुअल फंड आजकल आपने बहुत नाम सुना होगा ऐसे बैंकर आप पे बहुत प्रेशर भी आता होगा कि यार इतने की एसआईपी करवाना है इतना म्यूचुअल फंड हमें का बेचना है, इतने का आना है. ये में होता क्या है? अब देखिए आप शेयर मार्केट में डायरेक्ट भी पैसा लगा सकते हैं एंड मे बी आप वहां से बहुत पैसा कमा भी सकते हैं एंड बिकॉज इट इज ए रिस्की मार्केट तो आप बहुत पैसा गवा भी सकते हैं तो म्यूचुअल फंड क्या करता है इस प्रोसेस को बहुत हद तक इसका रिस्क, रिस्क रिड्यूस कर देता है कैसे कि इंस्टेड ऑफ बाइंग वन शेयर यू इन्वेस्ट इन ए बास्केट ऑफ शेयर अब आपको लगा यार एमआरएफ का शेयर बढ़िया है दोस्त ने बताया था कि यार ये शेयर लेगा ना तो तेरे को बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट मिलेगा आपने बोला ठीक है पांच हजार रुपए महीने से स्टार्ट करता हूं आपने जाके शेयर को देखा तो आपको क्या देखा कि अरे यार ये शेयर तो सत्तर हजार का है या अस्सी हजार का है मैं तो इसको खरीद ही नहीं सकता अब आपने क्या सोचा कि इंस्टेड ऑफ दैट मैं ऐसे किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूं जहां पर इसकी मेजर शेयर होल्डिंग में एमआरएफ का शेयर हो और उस तरीके को कुछ अच्छे शेयर्स हो तो दैट वेज आपने एक बास्केट ऑफ शेयर में इन्वेस्ट कर दिया इस बास्केट का जो रिटर्न होगा वो हो सकता है उस एमआरएफ के शेयर से थोड़ा कम हो लेकिन आपका रिस्क भी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाएगा तो यू ये पूल्ड इन्वेस्टमेंट इन वेरियस सिक्योरिटीज होता है विच इज अक्सर कैन बी मिक्सर ऑफ शेयर कैन बी मिक्सर ऑफ शेयर एंड डेट हो सकता है शेयर डेट और गोल्ड का भी मिक्सर हो ये हो ये एक फंड मैनेजर आपके लिए फुल टाइम मैनेज करता है जो ऑब्वियसली इसकी कोई ना कोई ना आपसे फी लेता है बहुत ही मार्जिनल कुछ आपकी फी लेता है एंड आप केयर फ्री होकर उस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं आपको उसको देखना नहीं है एक बार पैसा डाला तो आप उसको भूल सकते हो यूजुअली ये आपको मार्केट से रिलेटेड अराउंड दस बारह परसेंट डिपेंडिंग ऑन किस तरीके के आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो उतना तो रिटर्न देता है एफडी से ज्यादा दे सकता है कभी कभार किसी केसेस में कम भी दे सकता है बट उसका इतना ज्यादा चांस नहीं होता इट आल्सो मिनिमाइजिस द रिस्क कंपेयर टू डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टिंग का रिस्क होता है उसको बहुत कम कर देता है डायरेक्ट इन्वेस्टिंग के रिस्क को एंड ऑफ कोर्स इट इज रेगुलेटेड बाय सेबी आइए अब अगला देखते हैं रजिस्ट्रार्स अब आप में से अगर किसी ने प्रॉपर्टी खरीदी हो या आपके किसी रिलेटिव ने खरीदी हो या आपने कभी उस ट्रांजैक्शन को ऑब्जर्व किया हो प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराते हैं रजिस्ट्रार के पास जाते हैं कि भाई जो जैसे कि गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में आपकी प्रॉपर्टी रजिस्टर हो जाए एंड आप उसके राइटफुल ओनर सिद्ध हो जाए ये रहे वैसे जो रजिस्ट्रार्स यहाँ एग्जिस्ट करते हैं ये एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं शेयर एंड डिबेंचर होल्डर्स का कि भाई एक श्राम है उसके पास रिलायंस के सौ शेयर हैं ये किसको पता है ये बात ये एक रजिस्ट्रार होगा जिसके पास वो रिकॉर्ड रहेगा आपके पास सी डी एस एल एनडीएसएल है हमारे शेयर डीमटेरियलाइज फॉर्मेट में स्टोर्ड है बट उसका जो डबल रिकॉर्ड रहेगा वो रजिस्ट्रार के पास रहेगा हु विल मेक श्योर कि भाई कल को अगर कुछ ऐसा होता है कि राम हो गया वो सौ शेयर खरीद के भूल गया और आज से मे बी बीस तीस साल बाद उसके बच्चों को रियलाइज हुआ कि यार उस जमाने में सौ शेयर खरीदे थे राम ने हमारे पिताजी ने हम जाके उनको रिडीम कर लेते हैं तो कहां से जाके वो अपने रिकॉर्ड्स वेरीफाई करेंगे तो रजिस्ट्रार इज दैट प्लेस जो ये रिकॉर्ड्स को पूरा मेंटेन करता है इनके जो मेंटेनेंस होता है क्या रूल्स किस पे करते हैं है? दो पिलर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जिसके दो काम है पहला काम है पूरे इंश्योरेंस मार्केट को ऑफ कैसा इंश्योरेंस है कि आप भाई आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस हो गया आपका हेल्थ इंश्योरेंस हो गया आपका टर्म इंश्योरेंस हो गया किसी भी तरीके का कोई भी इंश्योरेंस होता है उसकी रेगुलेटरी बॉडी है, है ये ये इंश्योर करता है कि आपको कल को मान लीजिए आप कहीं इंश्योरेंस कराने जाएं आपके दोस्त को बोले जिसका सिमिलर सब कुछ सिमिलर हो, सिमिलर गाड़ी खरीदी हो उसको बोले कि भाई आपका इंश्योरेंस तो हम पचास हजार में कर देंगे और आपको बोले कि नहीं यार तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं लग रही तुम्हें तो पांच लाख देना पड़ेगा तो आप क्या करोगे आप या तो उनसे नहीं खरीदो लेकिन वो हर इंश्योरेंस वाला आपको यही बोले कि मेरे को तो और शक्ल अच्छी नहीं लग रही तुम तो साढ़े लाख दोगे मुझे ला नहीं ऐसा नहीं होता यू कैन अप्रोच आई आर डी एंड दे विल मेक श्योर की हाँ भाई ऐसी मेल प्रैक्टिस नहीं हो रही है या फिर कल को आप इंश्योरेंस क्लेम करने गए आपका केस जेन्युन है जो भी आपके साथ हुआ वो सही हुआ बट आपके केस का आपका जो भी आप रिकवरी चाहते हैं या इंश्योरेंस से पैसा चाहते हैं वो देने से मना कर दे बहुत फ्रिवलस रीजन देके कि नहीं ये पैसा तो हम नहीं दे सकते ये तो आपके कारण हुआ या उसको वो करें तो आई आर डी एज द अथॉरिटी विच मेक श्योर कि ऐसा कुछ भी ना हो इंश्योरेंस की प्राइज उसकी डिलीवरी उसको कैसे बेचा जा सकता है उसको कैसे उसके बाद उसका जो आपका फाइनल रिकन्सिलियेशन होता है वो कैसे करता है ये सब आई के अंडर आता है इट रेगुलेट्स वॉर इंश्योरेंस बिजनेस बोल जनरल एज वेल लाइफ इश्योरेंस एंड इट रेगुलेट्स ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस इंक्लूडिंग लाइसेंसिंग ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज कौन कंपनीज इस के इंश्योरेंस बेच सकती है वो फ्रेमिंग रेगुलेशन एप्रूविंग प्रोडक्ट्स कि भाई अगर कोई आपसे बोले कि मैं इस चीज़ का इंश्योरेंस दूंगा जो कि बहुत ही स्टूपिड वो हो उसको आई आई डी बोलेगा कि नहीं यू कै नॉट गिव इंश्योरेंस ऑन दैट ये चीज़ है

मैं क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करूंगा जाके क्रिप्टो करेंसीज में भी मैं ऐसी क्रिप्टो करेंसीज खरीदूंगा जो 100 परसेंट टू हंड्रेड परसेंट वन थाउसेंड पर आपको रिटर्न दे देती है एक एक दिन में, दो दो दिन में, एक, एक हफ्ते में मैं शीवाइन खरीदूंगा मैं डॉजकॉइन खरीदूंगा और आपको कितनी पेंशन मिलेगी पचास पर मंथ मैं आपको पांच लाख रुपए पर मंथ पेंशन दूंगा अब हो सकता है आप खुश हो होकर वहां इन्वेस्ट तो कर दो उसको अगर अप्रूवल मिल जाए तो बट जब आप बाद में रियलाइज करो तो आपको पता चले कि जो आपको पचास हजार रुपये पर मंथ पेंशन मिलने वाली थी वो पैसा कम हो गया पांच सौ रुपए पर मंथ हो गया है ऐसी कोई हरकत ना हो इसी के लिए पेंशन फंड की जो रेगुलेटरी बॉडी है वो भी आई डी है विच मेक श्योर

लाख की दे दो मुझे कोई रिस्क नहीं लेना तो किस तरीके के पेंशन फंड में कहा पैसा लगेगा उसको रेगुलेट करने के लिए आईआईडी एक्सिस्ट करता है इसके अलावा एक मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया एमसीएक्स करके भी मार्केट होता है विच इज ओन फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मार्केट है इंडिया में एंड बायोडिटी क्या होता है सिंपली बहुत डिफरेंट जो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हो गए जहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो जैसे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो गया आप वीट में राइस में इन्वेस्ट करना चाहते हो आपको लग रहा है कि यार चावल अब अच्छे आ रहे हैं इंडिया वाले चावल ज्यादा खाने लगे थोड़े से हेल्थ वो हो गए उन्होंने देखा कि यार साउथ इंडियंस जो है प्रीडोमिनेटी चावल में भी ज्यादा खाते हैं ज्यादा फिट होते हैं तो हम वीट की रोटियां नहीं खाएंगे हम चावल खाएंगे ऐसा एक कोई भी हमने एजम्पन ले लिया तो उस तरीके से आपको लगा कि चावल की प्राइस बढ़ने वाली है तो आपने चावल में इन्वेस्ट करना चाहा अब आप दो आपके पास ऑप्शन है या तो बोरियां भर के अपने घर में रख लो अब दैट इज ए क्रमसम ऑप्शन कि भाई इज अ पॉसिबिलिटी कि बोरियां खराब हो जाएं इतनी स्पेस ही आपके पास नहीं हो कि आप बोरिया रख पाओ या फिर अगर आपको स्पेस रेंट पे लो बोरिया रखने के लिए तो उसका आप ईट्स इन योर प्रॉफिट तो आपको कोई प्रॉफिट ही ना हो तो यू कैन गो टू गो ऑन दिस एक्सचेंज एंड ट्रेड ऑन दैट और और डिफरेंट टाइप के कम्योडिटी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स जैसे कि अब बुलियन हो गया आपका गोल्ड हो गया सिल्वर हो गया फेरस एंड नॉन फेरस मेटल्स हो गए आप आयरन हो गया कॉपर हो गया, गया इनमें वो कर सकते हो एनर्जी हो गया जैसे कि अभी रशिया के साथ जब वॉर हुआ यूक्रेन का तो जो ऑयल की प्राइस थी वो सिग्निफिकेंटली शूट अप हो गई अब किसी इंसान ने अगर ये प्रेडिक्ट कर लिया हो और उसको लगाओ कि यार जो रशिया कर रहा था हो सकता है वॉर हो जाए उसने इसके फ्यूचर्स में इन्वेस्ट किया उसने बोला कि मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि जो बैरल की प्राइस है वो हंड्रेड डॉलर टच कर जाएगी या क्रॉस कर जाएगी एक बैरल की एंड वो प्राइस क्रॉस कर जाए तो उसका तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो गया यहां पर अब दूसरा हो गया एग्रीबेस और एग्रीकल्चर कमोडिटीज हो गया आपका अब यहां पर एक जो बहुत कॉमन जो सबसे बड़ा इसका एक एडवांटेज है वो है कि आप कैश सेटलमेंट पे आप वो कर सकते हैं आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि मेरा जो सेटलमेंट हो वो कैश में हो जो भी मेरा प्रॉफिट हुआ हो मुझे बैरल नहीं मिले फॉर एग्जांपल आपने इन्वेस्ट किया था सौ बैरल के लिए और सौ बैरल के आपका प्रॉफिट बहुत अच्छा हुआ आपके दो सौ बैरल हो गए तो आप ये नहीं बोलोगे कि एक काम करना वो दो बैरल घर भिजवा देना मैं बेचूंगा जाके मैं एक अपना पेट्रोल पंप खोलूंगा उसमें मैं क्रूड ऑयल बेचूंगा जाके नहीं आप उनसे बोल सकते हो कि थैंक यू फॉर द प्रॉफिट आप ये जो मेरे को है, जो भी मेरा प्रॉफिट हुआ है इसको आप कन्वर्ट कर दो एंड गिव दैट मनी टू मी तो ये सबसे बड़ा आपको एडवांटेज ऑफर करता है यहां तक हमने हमारा सारे जितने भी हमारे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम्स के डिफरेंट वर्टिकल्स थे उसके बारे में पढ़ा उसके अलावा हमने इस वीडियो में देखा कि जो भी हमारे डिफरेंट प्लेयर्स हैं जो रेगुलेट होते हैं जो, तीन वर्टिकल हमारे जो हो गया, आपका क्या क्या रेगुलेटरी पार्ट होती है यह सब कुछ हमने देखा अब अगर आप हमारे और कोर्स ऑफ्रेंड्स को देखना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं डब्ल्यू पे जब आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा अगर आप जिसमें हमें आपको जितने भी हमारे कोर्स ऑफरिंग है सीबीएसई में आपके इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम हो गया स्पोकन इंग्लिश का हो गया या फिर आप आप को देखना चाहते हैं तो आप सबसे राइट में आइए इस इस टैप टैप पे पे क्लिक इस पे क्लिक करिए करते ही आपको हमारे सारे ऑफरिंग्स दिख जाएंगे अब मान लीजिए आप इनमें से जेआईबी का वीडियो देखना चाहते हैं आप वॉच नाउ पे क्लिक करिए तो एक डिफरेंट पेज ओपन होगा जो कि हमारे कोर्स के जो हैं जो हमारा कोर्स क्यों स्पेशल है क्या आपको चीजें ऑफर करता है वो आप देख सकते हैं अगर आप नीचे देखेंगे तो यहां जितने भी पेपर हैं, पेपर वाइज सारे वीडियोस अपलोडेड हैं। आपका मान लीजिए प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग क्लियर है आपका लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट ऑफ बैंकिंग क्लियर है बट आपको लगता है कि यार आज मेरा अकाउंट्स पढ़ने का मन है तो आप सिंपली इस पर क्लिक करिए जो भी वीडियो जो भी टॉपिक को आप देखना चाहते वो आप जाके देख सकते हैं थैंक यू फॉर बींग द नेक्स्ट वीडियो